उम्र में काम करने उम्र तुम्हारे फार देखो तुम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ जाओ सुबह सुबह की चाय पीने के लिए, और ये सुबह सुबह की कड़कदार चाय चिनखियों के साथ में। ये हमारे नेताजी हैं जो कारभार संभाल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं सुबह सुबह गली में। को आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये है हमारा घर, ये लैट्रिन बाथरूम है, इधर किचन है, दो कमरे हैं, इधर बड़ा किचन है, ये पानी की टंकी है, दो कमरे हैं, ये दुकान है, ये स्टोर है, ये और ये भी स्टोर ही है, ये गाय भैंसों का स्टोर है। यहाँ पे लकड़ियाँ और घास रखा जाता है, तो ये इनके लिए है। और यहाँ पे इस कमरे में है टेंट का सामान, इसमें टेंट का सामान है। ये चक्की है, ये है चक्की, और वहाँ लैट्रिन बाथरूम है, क्योंकि लैट्रिन बाथरूम दो दो है, ये गली से बाहर है। तो ये है हमारे भाई साहब झाड़ू लगाते लगाते रोड तक पहुँच गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ दुकान, ये है दुकान, ये सब चीज़ मिलेगा भाई की दुकान में, सब्जी से लेके सब चीज़ मिलता है। और ये है गुसाई जी की दुकान, ये गुसाई जी की धर्म पत्नी है। और ये है घर हमारा, हमारे भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा बीच गांव में चाहिए थी, इसमें मतलब मंडाण लगता है पूरे गांव का, जो भी देवी देवता पूजी जाती है तो इसमें लगता है मंडाना भी। तो यहाँ पे इन्होंने काम चल रहा है, तो इन्होंने ऐसे फैला रखा है ये, तो यहाँ पे लगता है देवियों का मंडाण, भैरवनाथ नरसिंह का मंडाण, और यहाँ पे जलती है माता की जोत। तो ये है, मैं दिखाती हूँ भैरव बाबा, ये पत्थर में विराजमान है, यहाँ तो प्याज लगा रखा है। तो ये है हमारे भैरव देवता, पत्थर की शिला जिसमें है विराजमान, ताला लगा है तो इसलिए नहीं दिख रहा है। पंचायती है, इसमें लोग शाम सुबह बैठने आते हैं, तो ये इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पे जब कोई कुछ प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे लगता है डीजे। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये पंचायत भवन में काली का जो पत्थर है यहाँ पे है, यहाँ पे भी पूजा होती है, मंडाण लगता है यहाँ पे भी। हमारे सूर्यनारायण भगवान जी भी ऊपर धार में पहुँच चुके हैं, तो जय हो सूर्यनारायण भगवान की। और ये है, तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो आपको राम लक्ष्मण जी के दर्शन कराएंगे। ये है दियूल गांव, जिस गांव में राम लक्ष्मण जी का मंदिर है। यह है देवभूमि उत्तराखंड, तो यहां आपको मंदिर ही मिलेंगे, हर जगह में मंदिर मिलेंगे, कहीं पे माता का मंदिर, कहीं पे नागराजा भगवान का मंदिर, कहीं पे कोई मंदिर, यहां मंदिर ही नज़र आएंगे। मंदिर नागराजा देवता का मंदिर है, तो ये है नागराजा देवता, जय नागराजा देवता। तो हर जगह में मतलब मंदिर में, इस गांव में तो बहुत ही मंदिर है। और ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये पूरा सामने जो धार है वहाँ से नीचे पूरी सितोंसी पट्टी लग गई है, सारी सितोंसी पट्टी है, पेड़ है बरसों पुराना पेड़, देखो पेड़ बिल्कुल बुड्ढा हो चुका है, बरसों पुराना पेड़ है ये। और हमारे नागराजा भगवान जो हैं वो हमेशा पेड़ के नीचे ही विराजमान रहते हैं, हमेशा निरेरा नीचे। मकान तो बहुत सुंदर बना रखे हैं। ईच गांव में स्थित है मंदिर, और यहां से जाते हैं निशान, जब मंगशीर के महीने मेला होता है सीता माता का, तो यहां से जाते हैं निशान माता के मंदिर में। और ये रहा मंदिर का गेट,
और ये है वो निशान जो माँ सीता के मंदिर में जाते हैं। ऐसे मंदिर और प्राचीन मंदिर है ये भगवान जी, ये है विराजमान। प्राचीन मंदिर और पुराने पत्थरों से बना हुआ है, इस तरह से है भगवान राम लक्ष्मण जी का मंदिर। ये देखो तो हमारे प्रभु श्री राम जी यहीं पे विराजमान हैं। बना होगा मंदिर जैसे बना था वैसे का वैसा है, कोई छेड़छाड़ नहीं मंदिर में। कुटिया है ये, तो इस तरह से है मंदिर का ये सुंदर सा नज़ारा। और ये है मंदिर पीछे है, ये पहाड़ों के बीच में है मंदिर। तो दोस्तों श्री रामचंद्र जी के दर्शन बहुत सुंदर हो गए, अच्छे दर्शन हो गए, मन खुश हो गया है। अब मिलाती हूँ आपको सीता माता के मंदिर जाते हैं, वहाँ मिलाती हूँ। बोड़ी कुछ बतानी मंदिरा बारे में, मंदिरा बारे में एक सीता माता को ससुराल जो है ना बेटा, हाँ, और एक बटी एच बटी नेवा सीधा पल चढ़िया से है। अच्छा, लब कुछ का लब कुछ चाबी का है ना, तो एक लब कुछ घोड़ा तब राम जी का घोड़ा लब कुछ उन पकड़ी। अच्छा, एक ये पल चढ़ा से तभी तो को मेला हो। अच्छा, एक ससुराल से, हाँ एक ससुराल तो कोड़सड़ा क्या फिर उनको, मैं तो चलू बटी बबलू लंदन वो यो नी दोपेल छिन्ना है वेले तो हाँ है चाना, हाँ तो ये मेला हूँ वो जो खेचा खेच खेच। अच्छा अच्छा, हाँ वो हूँ तो ना तो वो का ये पल चढ़िया ना दोन कंडी दिन। अच्छा, हर सौ कलो हर चौदो दो। अच्छा अच्छा, एक हूँ तो अब तक का खा दिन था भगवान की माया है ना, तो तब हिंसा तुम तो घर नहीं रहा बेले ना, हाँ कख रहा दिल्ली। अच्छा, अब रही बेले तो ब्याज हो तुम न्याज पहले जगो रहो अब जगो रहो बेटी मेलो हो झांगर जब आना छोटा हाँ झांगर एक हो जगो रही है ना, तो मेरा पहले सब जानी अब मन की नींद बेटा। तो धन्यवाद धन्यवाद मेरे बॉडी को जो बॉडी ने हमते यहाँ बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और खुश रहन हमार बॉडी स्वस्थ रहन मस्त रहन, तेरा बच्चा भी खुश रहे। धन्यवाद बॉडी, धन्यवाद जो। और ये खूबसूरत नज़ारा है इस गांव का, देवल गांव का ये। और ये सामने है कोट गांव, इस गांव में मेरी बहन रहती है, अभी चलते हैं मिलाती हूँ आप लोगों को। और ये हमारी ताई जी है जिन्होंने गाँव में, देखो ऐसे फूल दिल्ली में नहीं मिलेंगे आप लोगों को, जो फूल यहाँ पे है, जो सुविधा अब गांव में हो गई है। सिर्फ ये है कि रोजगार नहीं है यहाँ पे, बाकी तो देखो फूलों की खूबसूरती देखो, कितने बड़े बड़े फूल और कितने सुंदर फूल है। कोई बताएगा इन इस पेड़ का नाम क्या है, ते पता च पायल किस चीज़ का पेड़ है। और ये फूल लगे हुए इतने बड़े बड़े फूल, ये है कोट गाँव। अब जा रहे हैं हम कोट गाँव के लिए, और यहाँ पे है माँ राज राजेश्वरी का मंदिर। तो आपको तो आज मंदिरों का ही दर्शन करवाऊँगी ज़्यादातर, माँ राज राजेश्वरी का मंदिर। ठेकेदार जी भी मिल गए हैं सर, बाय बाय। इस तरह से है माँ का मंदिर और माँ राज राजेश्वरी। गेट बंद हो रखा है, भारी से दर्शन कराती हूँ। तो इस तरह से है मंदिर, ये भी गांव के बीचों बीच में है। तो इस तरह से है ये रास्ता, वही देखो
आज बब्बी तेरे को तेरे कोट की याद दिला रही मैं। ये रहा तुम्हारा घर और ये रहे मामा श्री हमारे। ये अंदर ये घर के मालिक कहाँ गए? ये देखो अकेले अकेले रहो मजे से। हमारी फूफू श्री है, ये देखो चाय तैयार। रोथान जी ने बना दी चाय और फूफू ने बना रखे हैं पकोड़े। और ये देखो ये है कोट गांव जहाँ मेरी बहन का ससुराल है और ये रहा उसका घर। ये देखो और कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, देखो सामने बहुत ही सुंदर खूबसूरत। ये है कोट की मार्केट, कोट गांव की मार्केट है। तो ये है ये बारात घर बना हुआ है यहाँ पे। पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत वादियाँ। ये है मंदिर मार्ग जाने का रास्ता, ये गेट है मुख्य द्वार, यहाँ जाएंगे हम। है मैला कोठा बोलते हैं इसके लिए। यहाँ है माँ राजराजेश्वरी का मंदिर। ये जय माँ राजराजेश्वरी। माँ राजराजेश्वरी का मंदिर जो मैला कोठा में बना हुआ है, देखो जय माँ राजराजेश्वरी। जय हो शिव जी महाराज जी की। हवन कुंड जहाँ पे हवन होता है। और ये प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर माँ राजराजेश्वरी का, प्राचीन मंदिर बाबा का मंदिर। जय भैरव बाबा। ये वो बारात में गई, बहुत ही सुंदर मंदिर मैला कोठा। और बारात में गई और मंदिर भी बिल्कुल बीच गांव में है। ये है मैला कोठा कोट गांव। ये पूरा ऊपर माँ सीता का मायका, यहाँ होती है माँ सीता की पूजा हर बार। और ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। और ये है, और ये हम लोग हैं सामने का, देखो कोट ब्लॉक, खूबसूरत नज़ारा। को हमें मिल गए रिश्तेदार हमारी जान पहचान के कोट गांव में। और जो हमारे वो है नंदोई, क्या लगता है तुम्हारा ठाकुर सिंह? हाँ, बुलाचे बुलाचे मामा नौन हो चुके। देखो तुम तो जहाँ जाओ वहाँ रिश्तेदारी बनी जाती है और मिल जाती है। सुंदर मगर टूट चुके हैं और ये पुराना। हाँ हमें ब्लॉग बना दो ना तब। ये सुंदर और ये बॉडी, ये शूटिंग हो रही है यहाँ पे। ये है पहाड़ी रास्ते, देखो जाएंगे हम सामने गांव जो है फलसोड़ी, वहाँ सीता माता का मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ जाना हमने। तभी तो टाइम लगेगा जाने में, रास्ता नीचे जाने का, नीचे 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 से ऐसा घुमाव है, फिर जाएंगे हम सामने। हम बोट रखना अच्छा ना पर ही उम्र में काम करना, उम्र तुम्हारे फारे देखो तुम है उकाल भी नहीं छोड़ सकना तुम बता। सही बात है, वो तो जब कोई हाँ आपसे कुटुम दारी पाए पूरी तह जीव मारी, जब दूर आया था तब जीव मारी तचंड बुदल नहीं खाए अलग फल नहीं खाए, जब दूर आना नहीं पड़े वे हाथी पर चोप भी नहीं गए आ चार नौ नौ पाली तह ऐसे चाह परेशान होना क्या करना क्या करना बाबा। अरे बोड़ी हर जगह चेकानी, हर जगह चेकानी, क्या करें? ये तो बीजे रोग बाजूर का नहीं पड़े बाबा, जो ध्यान रख अपनो ध्यान। ऐसे आए हम इस पहाड़ी से नीचे और हमारी ताई जी जो अपनी कहानी सुना रही थी, हर जगह यही हाल है, पहाड़ों में यही हाल है। बहुत संघर्ष करते हैं पहाड़ों के लोग, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, बहुत संघर्ष भरी जिंदगी है। चार चार बेटे हो के भी ये हाल है, तो बताओ।
इस तरह से बना हुआ है रास्ता माँ सीता के मंदिर में जाने के लिए। और ये रहा, गांव में ऐसी आंगनबाड़ियाँ होती है, ये रही आंगनबाड़ी। तो ये है फलसोड़ी गांव, और पहुंच चुके हैं हम फलसोड़ी गांव में। इतने खूबसूरत खूबसूरत मकान है, अब तो गांव में ऐसे मकान हो गए, दिल्ली में भी ऐसी सुविधा नहीं है। ऐसे वो खेत है जहाँ पे सीता माता की लोड़ी निकलती है, और ये सारे खेत वही है यहाँ पे। और इस साल यहाँ पे निकली होगी लोड़ी, यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह में, एक ही जगह में नहीं निकलती लोड़ी, अलग अलग जगह में निकलती है, क्योंकि यहाँ पे खड्डा हो रखा है, तो यहीं पे माता की लोड़ी निकली होगी। और जब निशान आते हैं दियोल गांव से, जो निशान जहाँ पे घूम के लग गया वहीं पे लोड़ी निकलेगी। सर ऐसे है, और देखो सारे पहाड़ है, और बीच में कितना सुंदर और बिल्कुल शैणा है माँ सीता का मंदिर, ताला लगा हुआ है। तो ये रहा माँ सीता का मंदिर, जय माँ सीता। पवन सुत हनुमान जी है ये। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम नीचे की ओर, और नीचे है महादेव जी, वो भी प्राचीन महादेव जी है, मतलब मंदिर है वहाँ पे। तो आज के ब्लॉग में मैंने लगभग सभी भगवानों के दर्शन करा दिया। तो कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं क्या करके, ये है वाल्मीकि मंदिर, ये लवकुश, जहाँ लवकुश रहते थे वो है ये मंदिर, अब तो वहाँ पे बगल में कुछ बन गया है। तो ये रहा वाल्मीकि मंदिर, होता था तो यहीं से लाइन भीड़ लग जाती थी, और ये पूरे जो खेत दिख रहे हैं यहीं पे ऐसे कुर्चा मुंडली रहती थी कि कोई बोलने की बात नहीं। और यहीं से दिख रहा होगा आपको, यह है महादेव जी का मंदिर, चलते हैं वहाँ भी अभी महादेव जी के मंदिर में। तो ये है रास्ता, यह है महादेव जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये भी। इस तरह से होते पहाड़ों में मंदिर। जय हो महादेव जी की, जय हो। ये हमारे नंदी महाराज जी, हाँ कहीं पे भी शिव जी का मंदिर होगा वहाँ पे पानी जरूर होगा। तो एक नदी इधर से आ रही है, और एक ये इधर से जा रही है, अब तो पानी सामने से आ रही है, और एक ये रही, पहले तो पानी बहुत रहता था, अब तो पानी भी नहीं है, सारा सूख चुका है ये। मेरा दर्शन कर चुके हैं हम, अब लेंगे हम चप्पल इसके लिए। तो हम आ चुके हैं बैंक में थोड़ा सा काम है, तो बैंक में आ रखे हैं, उसके बाद जाएंगे डाकखाना में मेरी किताब है, उसमें रखेंगे हम थोड़े से पैसा। और ये हमारा हीरो आ चुका है, तो ये काम रे, और ये देखो डाकखाना, हाँ हेल करेगी मेरी किताब में पैसे जमे, ठीक है 1000-2000 कर दियो जमा। ये डाकखाना, फाइनली मेरे अकाउंट में पैसे हो गए जमा, और देखो कितने पैसे, बहुत सारे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, नोट बहुत सारे हैं इसमें ये। अब हमारा पूरा काम निपट चुका है, भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं, और हम बैंक से भी आ चुके हैं, अब सीधा जा रहे घर की ओर, गाड़ी तो है नहीं, पैदल चलेंगे, और अपना जुगाड़ ले लिया हमने रास्ते का, तो खाते खाते चलेंगे, रास्ता भी कट जाएगा। ऊपर पहाड़ी में है माँ भुवनेश्वरी का मंदिर, माँ भुवनेश्वरी का पैदल मार्च का रास्ता, और ये गेट है मुख्य द्वार, यहाँ से पैदल ऊपर चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते ऊपर है माँ भुवनेश्वरी। और एक गेट ये रहा माँ भुवनेश्वरी जाने के लिए, यहाँ से हम लोग कोई भी यहाँ से अपने कन्वेंस में जा सकता है, गाड़ियाँ जाती है। भुवनेश्वरी मंदिर प्रवेश गेट है ये, पैदल जा रहे हैं हम लोग, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है,
मौसम बिल्कुल शानदार हो रखा है, हवा चल रही है, सुंदर सुंदर हवा। ये सामने झांझड़ गांव, थोड़ा जूम करा के दिखाती हूँ। कितने बिल्डोजर भैया ने रोड बंद कर दिया, माले देखो ले जाएगा। बच के है माँ भुवनेश्वरी और मंडाण लगा हुआ है, सुन झक्का पोस का मंडाण लगा हुआ है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो मंडाण लगा हुआ है। तो यह है मेरी नानी का गांव, ये रहा सामने धार में, पास ही में नीचे गदेरा है और ये है नानी का गांव। ये पहुँच चुके हम अपने गांव के धारे में, मूल्य धारा बोलते इसके लिए। और सुंदर ठंडा पानी रहता है यहाँ पे, यहाँ का ठंडा पानी, हाँ मजा आ गया। ये है गेमी अपनी पुरानी दगड़िया गौर, ये घर पे और हमारी माता जी ने बना रखा है खाना। तो मैंने पूछा क्या साग बना रखा है, तो बताइए क्या साग बना रखा है। तो मेरे को कह रही टटरी मटरी, टटरी मटरी साग मैंने पहली बार सुना, टटरी मटरी क्या होता है? टटरी मटरी टटरी मटरी कह रही मैं, टटरी मटरी टटरी मटरी क्यों? टटरी मटरी बनाई मैं, टटरी मटरी मैंने बोलता कड़ी बनाना, कड़ी छाछ नहीं थी, थी छाछ तो दर्ती बनाई मेरे वहां तक छाछ बनाई थी ना दर्ती बात मेले बहुत है। मेरी माँ ने टटरी मटरी का साग बोल टटरी मटरी बोल रही थी, ये टंटर मटर और मेले तो बना रखे कड़ी, मैं तो कड़ी खाऊंगी। यहाँ पे चल रही है मसूर की कुटाई, ये चल रही है मसूर की कुटाई। और मैं आई थी घूम घाम के, मैंने कहा थोड़ा सो जाती हूँ, तो भाभी ऐसे होती है सोने नहीं दिया, तब तक फट 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 कुटाई होने लग गई बस ना मुन्ना सा। और दूध के लिए देखो, ओए ओए दूध पी रहा दूध, जुड़वा है ये, एक इसका भाई भी है, उनका भाई साहब है ये, ये माँ का दूध पीता, ये नहीं पीता ऊपर का दूध। परसों है शादी और आज यहाँ पे पीठों कूट गया था, अरसे बने थे जो कि पूरे ख़राब हो चुके हैं, तय का ही ख़राब हो गया। और शादी है मेरी जिठ माँ की नतीण की शादी है, तो मैं भी आ रखी हूँ शादी में, मुझे भी निमंत्रण मिला था तो मैं भी आ रखी हूँ। तो ये अभी तो ऐसे ही, अरे हमारी दादी जी है, बल चूल्हा मकड़े रहेगी तय को ही निकल नहीं रहेगी, चूल्हा में तेल गरम हुई च, मगर ये देखो ये हो गया खराब। पीछे पीछे मैं जा रही हूँ, आजा चल। तो दोस्तों मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में जरूर लिखना कि आज की यात्रा कैसी लगी आपको। बाय बाय, जय श्री राम।